हेलो एवरीवन। तो व्हाट पीएम डज इन लास्ट 24 आवर्स के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे आपको रोज की पीएम मोदी की एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फॉर डेली वीडियोस। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता था, पीएम मोदी लास्ट टाइम थे जम्मू एंड कश्मीर में और इंटरनेशनल योगा दिवस भी था कल के दिन। तो सबसे पहले पीएम मोदी ने वहां पे योगा किया जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में और साथ ही वहां के लोगों को एड्रेस भी किया। आपको बता दें कि योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे को 10 साल पूरे हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इसको इंटरनेशनल योगा दिवस की मंजूरी दी थी। भारत ने ये प्रपोजल लिया था कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस बनाया जाए, जिसपे 177 कंट्रीज ने 177 कंट्रीज ने मंजूरी दी थी। तो कल जो है 10वां इंटरनेशनल योगा दिवस था। इसके बाद जो है पीएम मोदी ने वहां पे चल रहे यंग लोगों के स्टार्टअप्स, यानी कि जो यूथ है, कल के वीडियो में भी बताया था यूथ पे उन्होंने बहुत कुछ डिस्कस किया, तो यूथ द्वारा किए गए स्टार्टअप्स, उनके प्रोडक्ट्स उनको भी देखा, उनके साथ भी डिस्कशन किया। उसके बाद पीएम मोदी की गाड़ी बढ़ती है आगे डल लेक की तरफ। डल लेक पे भी पीएम मोदी ने लोगों को एड्रेस किया, साथ ही वहां पे मौजूद लोगों के साथ पीएम मोदी ने बहुत सारी सेल्फीज वगैरह भी ली। उसके बाद क्या, पीएम मोदी की वापसी होती है और उनसे मिलने आते हैं झारखंड के गवर्नर श्री राधा कृष्ण जी, जिससे पीएम मोदी ने चर्चा करी। और इस तरह उनका ज्यादातर कल का दिन जो है जम्मू कश्मीर में ही बीत गया। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जहां हम जानेंगे अगले 24 घंटों में पीएम मोदी ने क्या क्या किया।